Hello, students. Today we are going to study Maths Class 4 Numeration Part 2. Today we are going to study Comparison of Numbers, Ascending and Descending Order of Numbers, Forming a Greatest or Smallest Number by Using Given Digits. सो फर्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर नंबरों की आपस में तुलना करना इन मैथ्स ग्रेटर और लेस देन और इक्वल टू अस टू अंडरस्टैंड हाउ वन नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर नंबर दो संख्याएं अगर हमें दी हुई हैं, उसमें से बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है या अगर वो आपस में बराबर हैं तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या होते हैं एक ऐसा निशान अपने चिड़िया की चोच अगर देखियो तो उसमें जो चिड़िया की चोच का पतला हिस्सा जो होता है वो छोटे नंबर की तरफ होगा और जो बड़ा हिस्सा होता है वो बड़े नंबर की तरफ होगा यानी जो खुला हुआ हिस्सा होगा वो बड़े नंबर की तरफ और जो बंद हिस्सा है नुकीला हिस्सा है वो छोटे नंबर की तरफ होगा इस तरीके से हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन नंबर का पता लगा सकते हैं वेन द नंबर इज इक्वल टू अदर नंबर वी यूज इक्वल टू साइन न स्मॉलर नंबर एंड द बिगर नंबर एग्जाम्पल्स फाइव इज ग्रेटर देन वन फाइव ऑब्वियसली वन के बाद में आता है इसलिए बड़ी संख्या होती है इसलिए जो वो चिड़िया के चोंच का जो खुला हिस्सा होगा हम फाइव की तरफ लगाएंगे और जो बंद हिस्सा है वो वन की तरफ वन इज लेस देन टू इसी तरह से वन जो कि छोटा नंबर है तो वो जो निशान है चिड़िया की चोंच वाला उसका जो पॉइंटर जो है वो हम वन की तरफ लगाएंगे और जो खुला हिस्सा है वो दो की तरफ लगाएंगे देर आर टू कंडीशन ऑफ कंपेयरिंग द नंबर्स सबसे पहले है नंबर हैविंग

फिफ्टी फोर थाउजेंड एंड वन लाख फिफ्टी एट थाउजेंड ऑबियसली वन लाख फिफ्टी एट थाउजेंड में ज्यादा संख्याएं हैं तो यह नंबर बड़ा होगा इसी तरह से थ्री हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड में चार संख्याएं हैं तो यह नंबर बड़ा होगा तीसरा उदाहरण है 15,191 1521 इसमें भी 15,191 की संख्याएं ज्यादा हैं इसलिए यह बड़ा नंबर होगा और दूसरा नंबर छोटा नंबर होगा इसी तरह चौथा एग्जाम्पल टू थाउजेंड एंड टू हंड्रेड वेरी इजी टू थाउजेंड इज इज बिगर नंबर नाउ नंबर्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स अगर संख्याएं सेम है, है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कंडीशन टू नंबर्स हैविंग सेम नंबर्स ऑफ डिजिट्स इफ बोथ द नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स देन वी कंपेयरिंग द डिज फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट टू फाइंड द फर्स्ट प्लेस वेयर दे डिफर जैसे दो संख्याएं हैं 42,567 एंड 55,567 तो हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे हम पहले 10,000 वाले नंबर को कंपेयर करेंगे जैसे 10,000 में पहले नंबर में फोर आता है दूसरे नंबर में फाइव है ऑब्वियसली दूसरी संख्या बड़ी होगी इस तरह से फर्स्ट नंबर के कंपैरिजन में ही हमको पता लग जाएगा लेकिन अगर फर्स्ट नंबर टेन थाउजेंड की प्लेस पर सेम नंबर है तो हम थाउजेंड की प्लेस को कंपेयर करेंगे और अगर थाउजेंड की प्लेस पर भी सेम नंबर है तो हम हंड्रेड की प्लेस पर कंपेयर करेंगे एंड सो ऑन इस तरह से हमें नंबर का पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है नाउ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से हम संख्याओं को छोटे क्रम से बड़े बड़े की तरफ लगाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़ी से छोटे की तरफ लगाते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर के बारे में अरेंजिंग द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज नोन एज द असेंडिंग ऑर्डर छोटी संख्या पहले लगाएंगे उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़े संख्या एंड सो ऑन सो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर वाइल डिसेंडिंग ऑर्डर इज अरेंजिंग द नंबर्स From greatest to smallest is known as descending order, largest to smaller. Now, examples are there are some examples I have taken. Arrange the following numbers in the ascending and descending orders. There are four numbers: first is 61,478, 50,478, 65,790, 94,090. असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए राइटिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखेंगे इनमें स्मालेस्ट नंबर है फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी एट फिर है सिक्सटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी एट फिर सिक्सटी फाइव थाउजेंड वाला और फिर नाइन्टी फोर थाउजेंड वाला इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटेस्ट नंबर से लेके छोटी संख्या तक जाना बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना सबसे बड़ी संख्या है नाइन्टी फोर थाउजेंड एंड नाइन्टी और सबसे छोटी संख्या है फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी एट एंड सो ऑन तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर डिसाइड करेंगे न फॉर्मिंग अ नंबर विद द गिवन डिजिट्स अगर आपको कोई संख्याएं दी जाती हैं उनसे आप ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर पुट देम इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे सबसे छोटा नंबर हम सबसे पहले रखेंगे टू गेट द ग्रेटेस्ट नंबर वी पुट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर एग्जाम्पल इफ यू हैव गिवन आई हेव टेकन वन एग्जाम्पल देर आर डिजिट्स फोर डिजिट्स सेवन फोर एट वन इस संख्या से आपको बड़ी संख्या बनानी है और छोटी संख्या बनानी है बड़ी संख्या बनाने के लिए आप सबसे पहले बड़ी संख्या रखेंगे यू कैन सी इन द प्लेस वेल्यू चार्ट आई हैव पुट एट सेवन फोर वन सो दिस बिकम्स द ग्रेटेस्ट नंबर एंड टू मेक स्मॉलेस्ट नंबर आई हैव रिटर्न वन फोर सेवन एट टू गेट द ग्रेटेस्ट नंबर द ग्रेटेस्ट विजिट एट इज प्लेस एट द हाइस्ट वेल्यूड प्लेस एंड सो ऑन इस तरह से हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या मिल जाती है ठीक है एंड देन फॉर्मिंग ए नंबर विद डिज इट जीरो इन इट नाउ जीरो मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस जीरो अगर किसी संख्या में है उससे अगर हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनानी है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल आई हैव टेकन फ्यू नंबर सेवन सेवन जीरो टू एण्ड एट नाव टू मेक अ ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले हम एट रखेंगे फिर दोनों सेवन को रखेंगे फिर टू एण्ड जीरो जीरो विल बी इन द लास्ट इफ यू आर मेकिंग अ ग्रेटेस्ट नंबर बट इफ यू आर मेकिंग अ स्मॉलेस्ट नंबर देन यू विल नॉट बिगिन विद जीरो जीरो हम सबसे पहले नहीं लगाएंगे अदरवाइज उस जीरो की वैल्यू खत्म हो जाती है जीरो की वैल्यू हमेशा बाद में मानी जाती है अगर जीरो किसी नंबर के पहले आता है तो उस जीरो की वैल्यू नहीं होती है इसीलिए जीरो से हम नंबर शुरू नहीं करेंगे हम उस जीरो को सबसे छोटे नंबर के बाद में लगाएंगे हाउ वी पुट वी विल पुट टू जीरो सेवन सेवन एट तो दिस दिस इज हाउ इट बिकम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इसी तरह एक और एग्जाम्पल एक है वहां पर स्मॉलेस्ट नंबर इन ऑर्डर टू मेक स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन नंबर्स वी विल फर्स्ट अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी विल स्टार्ट विद द डिजिट्स अदर देन जीरो एंड राइट द जीरो इन द सेकेंड प्लेस जस्ट पे अटेंशन अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो जीरो को हमेशा सेकंड प्लेस पे लगाना है इन केस टू डिजिट्स आर इक्वल राइट देम एट द कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस आप एक दूसरे के बाद लगाएंगे फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स नाइन जीरो सिक्स सिक्स वन सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इससे हम क्या करेंगे सबसे पहले हम वन लगाएंगे जीरो नहीं लगाएंगे जीरो हमेशा सेकेंड प्लेस पे लगाएंगे फिर सिक्स सिक्स नाइन सो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट इज Ten thousand six hundred and sixty-nine. So here we finish numeration part two. I'll be back with the third part of the chapter. Till then, stay tuned and please subscribe the channel. Thank you.